कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा अध्याय दूसरा श्लोक क्रमांक 12 से चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा कीर्तन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपाद श्रील प्रभुपद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो आज हम श्रीमद्भागवतम स्कंध तीसरा अध्याय दो, शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण, श्लोक क्रमांक 12 से पढ़ रहे हैं। यन् मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग माया बलम् दर्शयता गृहीतं विस्वापनं स्वस्य च सौभगरिद्धेह परं पदं भूषणा भूषणांगम्। यन्मर्त्यलीलौपैकं स योग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगरिद्धे परं पदं भूषणभूषणांगम्। यन्मर्त्यलीलौपैकं स योग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगरिद्धे परं पदं भूषणभूषणांगम्। यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगरिद्धे परं पदं भूषणभूषणांगम्। शब्दार्थ, यत उनका जो नित्य रूप, मर्त्य मर्त्य जगत, लीला उपैकम लीलाओं के लिए उपयुक्त, स्वयोग बलम अंतरंगा शक्ति का बल, दर्शयता
अभिव्यक्ति के लिए गृहितम ढूंढ निकाला विस्मापनम अद्भुत स्वस्य अपना च तथा सौभगर थे ऐश्वर्यवान का परम परम पदम गंतव्य भूषण आभूषण भूषण अंगम आभूषणों का। अनुवाद: भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। तात्पर्य: श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा वैदिक स्रोतों के अनुसार नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम भगवान भौतिक जगत में समस्त ब्रह्मांडों के भीतर के अन्य सारे जीवों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं। वे समस्त जीवों में प्रधान हैं। धन बल यश सौंदर्य ज्ञान अथवा त्याग के क्षेत्र में न तो कोई उनके समकक्ष है न उनसे बढ़कर है। जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में थे तो वे मनुष्य प्रतीत होते थे, क्योंकि वे मर्त्य लोक की अपनी लीलाओं के लिए उपयुक्त रूप में प्रकट हुए थे। वे मानव समाज में अपने चतुर्भुजी वैकुंठ स्वरूप में प्रकट नहीं हुए, क्योंकि यह स्वरूप उनकी लीलाओं के उपयुक्त न होता। किंतु मनुष्य के रूप में प्रकट होते हुए भी कोई व्यक्ति विविध षडैश्वर्यों में से किसी एक में भी न तो उसके तुल्य था न है। हर व्यक्ति इस जगत में अपने ऐश्वर्य के प्रति न्यूनाधिक गर्वित रहता है, किंतु जब भगवान कृष्ण मानव समाज में थे तो वे ब्रह्मांड में अपने समस्त समकालीन व्यक्तियों से बढ़कर थे। जब भगवान की लीलाएं मनुष्य को दृष्टिगोचर होती हैं तो वे प्रकट कहलाती हैं, और जब वे दृष्टिगोचर नहीं होती तो अप्रकट कहलाती हैं। वस्तुतः भगवान की लीलाएं कभी नहीं रुकती, जिस तरह सूर्य कभी आकाश को नहीं छोड़ता। सूर्य सदैव आकाश में सही कक्षा पर बना रहता है, किंतु हमारी सीमित दृष्टि में वह कभी दिखता है तो कभी ओझल रहता है। इसी तरह भगवान की लीलाएं सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती हैं। जब कृष्ण द्वारका के दिव्य धाम से अंतर्धान हो गए तो यह वहाँ के लोगों की आँखों से उनका ओझल होना था। इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनका दिव्य शरीर जो मर्त्य लोक की लीलाओं के लिए उपयुक्त था वैकुंठ लोक में उनके विभिन्न अंशों से किसी तरह निकृष्ट था। भौतिक जगत में प्रकट होने वाला उनका शरीर इस बात में सर्वोत्कृष्ट है कि मर्त्य लोक में उनकी लीलाएं वैकुंठ लोक में प्रदर्शित उनकी कृपा से बढ़कर हैं। वैकुंठ लोक में भगवान मुक्त या नित्य मुक्त जीवों के प्रति ही दयालु होते हैं, किंतु मर्त्य जगत की अपनी लीलाओं में वे उन पतित आत्माओं पर भी दयालु होते हैं जो नित्यबद्ध हैं। मर्त्य लोक में अपनी अंतरंगा शक्ति या योग माया के द्वारा प्रदर्शित षड ऐश्वर्य वैकुंठ लोक तक में दुर्लभ है। उनकी समस्त लीलाएं किसी भौतिक शक्ति द्वारा नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रदर्शित की गई थीं। वृंदावन में उनकी रास लीला की अनुपमता तथा 16,000 पत्नियों के साथ उनका गृहस्थ जीवन वैकुंठ में नारायण के लिए भी आश्चर्यजनक है, और इस मर्त्य लोक के अन्य जीवों के लिए भी निश्चित रूप से ऐसा ही है। उनकी लीलाएं भगवान के अन्य अवतारों के लिए भी यथा श्री राम नृसिंह तथा वराहा के लिए भी आश्चर्यजनक है। उनका ईश्वर इतना सर्वोत्कृष्ट था कि उनकी लीलाओं की प्रशंसा वैकुंठ के स्वामी द्वारा भी की गई जो कि स्वयं भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है।
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज उद्धव जी भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं या प्रसन्न चित्त होकर भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। प्रसन्न चित्त अर्थात भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि जो भी उस स्वरूप का स्मरण करता है उसका मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है, विशेष करके अगर वो भगवान का भक्त हो तो। भगवान कृष्ण का कृष्ण की यह अद्भुतता है। विदुर जी के मन में एक तरफ ग्लानि यह है कि जब तक भगवान धरातल पर विचरण कर रहे थे तब तक उनकी दिव्यता का एक प्रकार से आवरण था और उनके जो परिवार के सदस्य थे या यदुवंश के सदस्य थे वो भगवान के इस दिव्यता से आवृत थे। और उद्धव जी उस कारण से थोड़ा सा दुखी हैं कि भगवान के दिव्य अस्तित्व को यदुकुल के सदस्यों ने ठीक से उसके साथ व्यवहार नहीं किया। जो भगवान का दिव्य अस्तित्व है वैसा व्यवहार नहीं किया। हालांकि सब कृष्ण से प्रेम तो जरूर करते थे और भगवान के अनुमति बिना या भगवान के भगवान से सलाह किए बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता था, किंतु यह प्रेम स्वाभाविक था यदुवंशियों का। उद्धव जी एक भक्त के दृष्टिकोण से यह ग्लानि कर रहे हैं कि जब भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है तो शायद भगवान का जो भगवान की जो दिव्यता है वह आवृत हो जाती है और यह किसी प्रकार का समभ्रम नहीं है, यह भगवान के स्वयं की इच्छा से ऐसे होता है। ताकि भक्त जो है वह किसी अवरोध के बिना भगवान से प्रेम कर सके या प्रेम व्यक्त कर सके। तो वृंदावन में, द्वारका में या रामलीला में, अयोध्या में जो भी भगवान के भगवान से बहुत प्रेम करते हैं और वह भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं वह भगवान के दिव्यता से थोड़े से वाकिफ नहीं होते हैं, या शब्द होगा कि थोड़े से आवृत रहते हैं। ये भगवान का ही प्रयोजन है। तो उसकी वजह से होता यह है कि वह भगवान के साथ उठते हैं, बैठते हैं, भगवान के साथ जो भी क्रिया है वह
बहुत मन लगाकर उस क्रिया में भाग लेते हैं, भगवान को अपने जैसे ही मानकर उनके साथ व्यवहार करते हैं। क्योंकि उद्धव जी अभी अकेले हैं तो वह सारी चीज़ों को याद करके उन्हें दुख हो रहा है कि जब तक भगवान यहाँ पर थे तब तक उन्होंने भगवान के साथ ये सामान्य कार्य किए, जबकि पूजा थाली लेकर बहुत ही विशाल रूप से, बहुत ही अद्भुत तरीके से, राजसी थाट के साथ या ऐश्वर्य के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए थी। तो यह एक दुख विदुर जी प्रकट कर चुके हैं। अब जब भगवान के स्वरूप का ध्यान हो रहा है उन्हें, तब विदुर जी उस स्वरूप के प्रति पूरी तरह से पूरा पूरा उनका मन जो है उस स्वरूप से आकर्षित हो जा रहा है। और उस स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह जो भगवान का स्वरूप है उसे ये भौतिक सृष्टि स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। ये भौतिक सृष्टि का कोई भी योगदान नहीं है भगवान के स्वरूप के अस्तित्व में। भगवान का स्वरूप ये भगवान की दिव्य शक्ति द्वारा प्रकट की जाती है, अर्थात उनका स्वरूप जो है वह दिव्य है, उनके अंतरंगा शक्ति यह स्वरूप व्यक्त करती है। और जितने भी भगवान के आभूषण होते हैं, जितने भी भगवान के वस्त्र होते हैं, या अन्य जो भी भगवान के प्रयोग में जो भी चीज आती है, वह सब जो हैं वो दिव्य होते हैं। अद्भुत से अद्भुत आभूषणों का प्रयोग किया जाता है भगवान के श्रृंगार में। जब भगवान वस्त्र धारण करते हैं, आभूषण धारण करते हैं, तो ये साधारण आभूषण नहीं होते, साधारण रत्न ही नहीं होते, ये सबसे सुंदर, अति सुंदर रत्न होते हैं। और अक्सर रत्नों द्वारा और अलग-अलग प्रकार के आभूषणों द्वारा व्यक्ति अपने आप को सजा कर सुंदर दिखता है, अपने आप को सजा कर वह आकर्षणीय दिखता है, किंतु भगवान के शरीर पर जो वस्त्र और आभूषण हैं वह भगवान को शोभायमान न करते हुए उनकी शोभा ज्यादा बढ़ रही है। मानो जैसे कि भगवान का दिव्य रूप उनके लिए आभूषण हो, जैसे भूषण भूषणांगम, जो भूषण है, जो आभूषण है, वो भगवान के सौंदर्य को निखारना तो दूर, उनकी जो निखर है वो बढ़ जाती है भगवान के सुंदर स्वरूप पर जब वह सेवा करने आते हैं। जब आभूषण भगवान के शरीर पर चढ़ाए जाते हैं तो वह आभूषण और निखर जाते हैं, वह आभूषण जो हैं और सुंदर लगने लगते हैं। और इसलिए सुंदर लगते हैं क्योंकि भगवान का शरीर जो है वह अति सुंदर है। तो ऐसा लगता है कि सुंदर, बहुत सुंदर स्वरूप पर यह आभूषण जो हैं वो निखर रहे हैं, ना कि आभूषणों की वजह से शरीर निखरता है, स्वरूप निखरता है। इस जगत में हम देखते हैं कि अगर साधारण व्यक्ति भी सुंदर आभूषण धारण कर ले तो वह भी साधारण से थोड़ा अच्छा सुंदर दिखेगा, साधारण न दिखते हुए थोड़ा सा सुंदर लगेगा, क्योंकि आभूषण होते ही आपके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। किंतु भगवान के दिव्य शरीर पर जो आभूषण है उनकी शोभा बढ़ जाती है जब वह भगवान के शरीर को अलंकृत करते हैं, भगवान के शरीर की जब सेवा करते हैं, तो भगवान के शरीर की दिव्यता के कारण उन आभूषणों की शोभा
बढ़ जाती है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान का ये जो स्वरूप है, द्विभुज स्वरूप, ये बहुत ही दुर्लभ है और उसका दर्शन भी बहुत दुर्लभ होता है। कहा जाता है कि भगवान अपने इस स्वरूप में, जो उनका आदि स्वरूप है, उस स्वरूप में ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ एक ही बार आते हैं। ब्रह्मा जी के संपूर्ण आयु के सिर्फ एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं इस आदि स्वरूप में। तो इस संसार में भी इस दुर्लभ स्वरूप का दर्शन करना अति दुर्लभ है और यह दुर्मिल है। और सिर्फ इस संसार में ही नहीं बल्कि वैकुंठ लोक में भी भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करना अति दुर्लभ है। वैकुंठ के निवासी भी भगवान के स्वरूप का दर्शन अक्सर नहीं कर पाते। यहां तक कि प्रभुपाद जी लिखते हैं और अनुवाद में भी लिखा गया है कि जो वैकुंठ पति हैं, वैकुंठ में नारायण स्वरूप चतुर्भुज रूप धारण किए हुए बहुत सारे भगवान के अलग अलग स्वरूप होते हैं, जो हर वैकुंठ लोक के अनेकों जितने ग्रह होते हैं उसके स्वामी होते हैं। तो ये सारे जो चतुर्भुज स्वरूप धारण किए हुए वैकुंठ पति जो होते हैं, वह भी बड़े उत्सुक रहते हैं भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन करने हेतु। जो ये द्विभुज रूप है भगवान का, जहाँ पर वह नंद बाबा के पुत्र के रूप में लीला करते हैं, यह स्वरूप, इस स्वरूप का दर्शन सभी को लाभ नहीं मिलता, उसका बहुत कम लोगों को लाभ मिलता है। हाँ, इसलिए जब भगवान प्रकट होते हैं इस संसार में अपने इस दिव्य स्वरूप को व्यक्त करते इस संसार में, तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि उस कारण से जो अभागे लोग भी हैं संसार के, जो संसार के भव बंधन से त्रस्त हैं, संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं, अधिदैविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक क्लेश से पीड़ित हैं, वह लोग भी भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। पशु पक्षी कीट देवी देवता गंधर्व मनुष्य स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सब जो हैं भगवान के इस स्वरूप का लाभ ले सकते हैं जब भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं। तो इतनी कृपा है भगवान की कि वह साक्षात अपने दिव्य रूप में यहाँ पर अवतरित होते हैं। और उद्धव जी यह सोचकर अत्यंत दुखी हो रहे हैं कि उनको सिर्फ अपना मित्र, अपना सखा, अपना भाई यह समझकर हमने सामान्य व्यवहार किया, जबकि हमें तो कितने ही हजारों दीपकों के साथ उनकी आरती करनी चाहिए थी, या कितने ही ऐश्वर्यशाली उनकी सेवा करनी चाहिए थी, ऐश्वर्यपूर्ण सेवा करनी चाहिए थी उनकी, लेकिन हम सिर्फ उन्हें अपना भाई, अपना मित्र, अपना सखा, अपने बंधु समझकर हमने उनके साथ सामान्य व्यवहार किया। तो प्रश्न उठता है कि भगवान इस स्वरूप में जो इतना दुर्लभ है क्यों अवतरित होते हैं इस संसार में? तो यह उनकी परम दया है और साथ ही साथ भगवान का जो एक
गुण है कि वो भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल का अर्थ होता है कि वो अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। तो इस संसार में जो उनके भक्त हैं, जो उनके लिए दिन रात उनका चिंतन करते रहते हैं, उनकी सेवा में नित्य युक्त रहते हैं, जो निरंतर भगवान से याचना करते रहते हैं, इस संसार में उन्हें संतुष्ट करने हेतु उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन लाभ देने हेतु और साथ ही साथ इस संसार के जो अन्य जीव हैं जो भगवान को भूल कर इतना दुख भुगत रहे हैं, उन्हें भी एक अवसर देने के लिए भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं। ये जो द्विभुज रूप है भगवान का, क्यों भगवान तो वैसे सहस्र भुजाधारी हैं, सहस्र बाहु हैं भगवान, लेकिन ये उनकी क्षमता है। ऐसे नहीं है कि क्योंकि भगवान के पास सिर्फ दो भुजाएं हैं तो बस उतने ही उनके पास रह जाएंगे, नहीं। वैसे तो भगवान के पास अपनी इच्छा अनुसार वो कितने ही इंद्रियों को और अंगों को व्यक्त कर सकते हैं। अगर भगवान यहाँ पर चतुर्भुज रूप में प्रकट होते तो सामान्य व्यक्ति उनके साथ प्रेम का व्यवहार इतना नहीं कर पाता। शिशुपाल जी भी बहुभुजा लेकर और बहुसर लेकर प्रकट हुए थे, उनकी माता चिंतित थी। आकाशवाणी हुई कि जिसके गोद में यह बालक जाएगा और उसके जो अधिक सर हैं और अधिक भुजाएं हैं वह गायब हो जाएंगी, वही व्यक्ति इसके मृत्यु का कारण होगा। तो उनकी माँ जो हैं, जो कि देवकी की बहन भी थी, देवकी माता की बहन थी, तो शिशुपाल की माता जो भी अतिथि गण आते उनके शिशु के जन्म के उपलक्ष में उन्हें बधाई देने, तो उनके हाथों में अपने पुत्र को, अपने संतान को रख देती। और जब भगवान कृष्ण आए तो उनके हाथों में जब उन्होंने शिशु को रख दिया तो उसके जो अधिक भुजाएं थी और सर थे वो गायब हो गए। अब बस एक सर और दो भुजाओं के साथ वो शिशु जो है रह गया। उनकी माता बड़ी प्रसन्न हुई। तो अगर भगवान चतुर्भुज रूप में व्यक्त होते, जैसे कि कंस के कटघरे में देवकी माता को उन्होंने दर्शन दिया था, तो माता देवकी जो है चिंतित हो गई कि इस रूप में आप अगर यहाँ प्रकट हो गए होंगे तो कंस जो है वो बहुत प्रयास करेगा आपको कष्ट पहुँचाने का, कृपया करके आप अपने इस स्वरूप को आप छिपा लें। तब शिशु रूप में भगवान कंस के कटघरे में उन्होंने दर्शन दिया। कई आचार्य कहते हैं कि वास्तव में भगवान जो हैं वो द्विभुज रूप में हमेशा से यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट रहते हैं, इसलिए उन्हें यशोदा नंदन भी कहा जाता है या यशोदा दुलाल। तो जब द्विभुज रूप में भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं तो सामान्य जन के साथ व्यवहार करने में आसानी हो जाती है। और इसी स्वरूप में भगवान ने द्वारका में और हस्तिनापुर में, वृंदावन में, इसी स्वरूप में भगवान ने अपनी लीलाओं को व्यक्त किया, इसी स्वरूप में, द्विभुज स्वरूप में। जैसा कहा गया है कि
वैकुंठ पति भी या भगवान नारायण भी लालायित रहते हैं भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। देवता भी जो हैं बहुत उत्सुक रहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने हेतु। तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी एक प्रसंग का वर्णन करते हैं जिससे यह बात सिद्ध होती है कि स्वयं महाविष्णु जी भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। एक समय पर द्वारका में एक ब्राह्मण था जो बहुत ही नेक आत्मा था, बहुत ही निर्मल स्वभाव का और बहुत ही शुद्ध व्यवहार का ब्राह्मण था, किंतु किसी कारण से जब भी उसको संतान होती तो संतान जन्म लेते ही मर जाती। तो इन ब्राह्मण देवता को बहुत संदेह हुआ कि हमारे कर्म और कृतियों में तो कोई कमी नहीं रह गई, हम तो अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म किए जा रहे हैं, कहीं कोई गलती नहीं है। और ये ब्राह्मण जो हैं थोड़े ज्ञानी व्यक्ति थे तो उन्होंने यह भी निष्कर्ष लगा लिया कि पूर्व काल का भी कोई इतना भयंकर फल तो दिखता नहीं है जिसकी वजह से ऐसा दुख हमें मिले। तो और एक कारण बताया गया है कि जब विचित्र रूप से बिना किसी योग्य कारण के विचित्र रूप से अगर आपकी संतान की मृत्यु हो जाती है जन्म देते ही संतान मृत हो जाता है, तो उसका एक कारण यह हो सकता है कि उस देश का राजा जो है वह पापी है। तो अगर ये बात सही है तो हम और आप विचार कर सकते हैं कि आजकल के राजाओं का कैसा गुण होगा, क्योंकि आजकल समाज में कितने शिशु जो हैं जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय शायद नहीं होती होगी, नहीं होते होंगे ऐसे ऐसी घटनाएं नहीं होती होंगी उस समय। तो इसलिए ब्राह्मण जो हैं महाराज उग्रसेन के सभा में पहुंचे और उन्होंने महाराज उग्रसेन को दोषी करार दिया। सारी सभा शांत थी, अर्जुन जी से रहा नहीं गया। अर्जुन जी को लगा कि उन्हें मर्यादा रखनी चाहिए राजा की, और जो राज गद्दी है उसकी। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, हम हैं कुंती पुत्र अर्जुन और आप को आश्वासन देना चाहते हैं कि आज भी धर्म की रक्षा करने वाले बहुत सारे क्षत्रिय यहाँ पर हैं और योग्य क्षत्रिय यहाँ पर हैं। तो ऐसे धर्मनिष्ठ क्षत्रियों के होते हुए उनकी तरफ से तो कोई गलती नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा, तो फिर हमारे संतानों की मृत्यु क्यों हुई? अर्जुन जी ने कहा कि आप परम ज्ञानी हैं, किंतु अगली आपकी जो संतान होगी हम स्वयं आपके घर के बाहर खड़े रहेंगे कि अगर मृत्यु के दूत वहां पर आए तो हम अपनी शक्ति से उन्हें रोक लेंगे, मृत्यु देवी आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, मृत्यु देवी को हम रोक लेंगे। और अर्जुन जी में इतनी क्षमता थी तभी उन्होंने ऐसा वाक्य कहा। तो अगली बार ब्राह्मण जो है इस बात को मान लिए। हाँ, ब्राह्मण जो है बड़े सहिष्णु होते हैं, सहनशील होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप आश्वासन देते हो तो फिर हमें कोई संदेह नहीं है।
यह कहकर ब्राह्मण अपने घर चले गए। ब्राह्मण देवता ने कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद संदेशा भेजा अर्जुन को कि हमारी स्त्री जो है, हमारी धर्म पत्नी जो है, प्रसूति गृह में है और कभी भी शिशु का जन्म हो सकता है, तो आकर आप अपना वचन, जो आपने वचन दिया है, उसका पालन करें। तो अर्जुन जी भगवान कृष्ण के साथ पहुंच गए। तो ब्राह्मण ने उनसे कहा कि आपको आपका वचन याद है? तो अर्जुन जी ने कहा बिल्कुल याद है, और यह हम घोषित करते हैं कि अगर हम मृत्यु देवी को रोक नहीं पाए तो जलती हुई चिता चिता जलाकर हम उसमें प्रविष्ट हो जाएंगे अपने गांडीव और तरकश के साथ, बाणों के साथ। कम से कम हम इसी इस तरह से प्रायश्चित कर पाएंगे अपने गलती का। तो ब्राह्मण निश्चिंत होकर घर के भीतर चले गए। अर्जुन जी द्वार पर ही, दरवाजे पर ही खड़े रहे। कुछ समय बाद भीतर से नवजात शिशु की किलकारियां जो हैं सुनाई देने लगी। अर्जुन जी और सतर्क हो गए। मात्र कुछ समय पश्चात ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए बाहर आए और उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि राजा की ही गलती है, अर्जुन के होते हुए भी हमारी संतान की मृत्यु हो गई और किसी में कोई कमी नहीं है, राजा की ही गलती है। तो अर्जुन जी ने कहा कि अभी भी समय है, हम पूरे ब्रह्मांड में खोज लेंगे, कहीं आपका शिशु कहाँ, जहां पर भी ले गया, चला गया होगा, उसे लेकर चले गए होंगे, वहां पर हम उसे ढूंढ निकालेंगे और उसे लाने का प्रयास करेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा जैसी प्रभु की इच्छा। ब्राह्मण जो है उन्होंने जल स्पर्श किया और ध्यान में बैठ गए। अर्जुन जी निकलने लगे तो कृष्ण ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप? अर्जुन जी ने कहा कि जाते हैं यमराज जी के पास जाकर पूछते हैं। तो भगवान ने कहा चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तो दोनों भाई जो है रथ पर सवार हुए और यमराज जी के पास पहुंचे। यमराज जी ने कहा ना, हमने तो उनके शिशु को यहाँ पर नहीं लाया, तो फिर और कौन हो सकता है? तो देव लोग गए, वहाँ पर भी सब बहुत ही चकित थे। तो पूरा ब्रह्मांड ढूंढ ढूंढ लिया, ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक, कहीं पर भी ब्राह्मण का शिशु मिला नहीं। बड़े आश्चर्यचकित हो गए अर्जुन, उन्हें कुछ समझ में ना आए, लेकिन उन्होंने वचन दिया था तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पूरा ब्रह्मांड ढूंढ लिया हमने, कहीं पर भी शिशु नहीं मिल रहा है, तो अब हम यहीं पर बैठकर लकड़ी इकट्ठा करके चिता जलाएंगे और उसमें प्रविष्ट हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठहरो अर्जुन, इतनी जल्दी क्या है, अभी भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम जाकर ढूंढ सकते हैं, लेकिन इन स्थानों पर जाने के लिए तुम्हें विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन जी को विशेष शक्ति प्रदान की और फिर रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड के पार चले गए। ब्रह्मांड के जो सात आवरण हैं, जो घनघोर, जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, बहुत मतलब कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उन सात आवरणों को भेदते हुए एक विशाल समुद्र पहुँचे जो कि कारण सागर था, और उस कारण सागर में एक दिव्य पुरुष, इतने अद्भुत, इतने सुंदर लेटे हुए थे, उस कारण सागर में स्थित थे दिव्य पुरुष। अर्जुन जी ने और भगवान कृष्ण ने उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। यह अद्भुत व्यक्ति साक्षात कारणों दक्षाय विष्णु या महाविष्णु जी थे।
भगवान का भगवान कृष्ण को अपने सामने उपस्थित देख महाविष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर अर्जुन जी ने भगवान ने अर्जुन जी को संकेत किया कि पूछो, तो अर्जुन जी ने कहा कि ब्राह्मण के जो पुत्र हैं, संतान हैं, उनको, शिशु हैं, उनको खोजते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब भौतिक सृष्टि की जो सीमा है वहाँ तक पहुँच गए। बस भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन जी, सोचिए, बिना किसी स्पेस सूट के, बिना किसी, बस भगवान ने उन्हें एक विशेष शक्ति प्रदान कर दी। उस शक्ति के बदौलत, उस शक्ति के कारण अर्जुन जी को ऐसा कुछ कवच प्राप्त हो गया, अदृश्य कवच, जिससे कि ब्रह्मांड को भेदते हुए जब वह निकले और ब्रह्मांड के सात आवरणों को भेदते हुए जब वो कारण सागर पहुंचे तो सुख रूप पहुंचे। महाविष्णु जी ने कहा कि हाँ, यही खेल रहे हैं बच्चे, और एक नहीं, जितनी भी उनकी संतान थी सब महाविष्णु के यहाँ पर खेल रही थी। अर्जुन जी चकित रह गए, भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। अर्जुन जी ने उनसे प्रार्थना की कि क्या आप ब्राह्मण के संतानों को वापस लौटा देंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल लौटा देंगे, ये इन बच्चों को आप ले जाएं और उन ब्राह्मण को बहुत सारा आशीर्वाद दें। तो अर्जुन जी ने के मन में प्रश्न था कि महाविष्णु जी ने ऐसा क्यों किया? तब तो महाविष्णु जी बहुत ही सुंदर रूप से हंसते हुए उन्होंने कहा कि साक्षात कृष्ण यहाँ पर हमारे सृष्टि में प्रकट हुए हैं, आदि भगवान, और संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मा जी से लेकर देवी देवताओं से लेकर कितने सारे मनुष्य इत्यादि, उनके स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हमें भी तो उनके स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। तो यही एक रास्ता था जिससे कि हम उन्हें अपने लोक तक, हम उन्हें यहाँ तक बुला ले आ सकते थे। यही एक मार्ग था उन्हें यहाँ लाने का। अब हमने उनका दर्शन कर लिया है, अब आप दोनों वापस लौट सकते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन जी के साथ पुनः लौट आए। भगवान का ये द्विभुज स्वरूप इसलिए इतना सुंदर है कि इस स्वरूप में भगवान सभी के साथ लीला करते हैं। पशु, प्राणी, पर्वत, नदी, वृक्ष, वन, पक्षी, नर, देवता, सभी के साथ भगवान लीला करते, और उनकी लीला अति मधुर होती है। जैसे बचपन में भगवान किसी कारण से जब गौशाला में रेंगते हुए आते हैं तो बछड़ों के पूंछ से लटक जाते हैं, और बछड़ा जो है ना, घसीटते हुए सारे गौशाला में उनका गोबर से अभिषेक कर देता है। मतलब भगवान को उपटन लगा देता है गोबर का। बड़ा ही ऑर्गेनिक और नेचुरल अद्भुत लीला करते हैं भगवान। कभी मोतियों का वृक्ष भगवान उत्पन्न करते हैं जिस पर फल स्वरूप मोतियां आती हैं, मोती, रत्नों का वृक्ष। भगवान जाकर एक रत्न, एक मोती जो है उसका आरोपण कर देते हैं, अगले दिन एक वृक्ष, और वृक्ष का फल, फल के रूप में क्या है, मोती, मोती कुंड नामक एक सरोवर है, वो भगवान की इस लीला का साक्षी है। तो इस प्रकार से भगवान अपने नर लीला में
सभी को अवसर देते हैं कि वह उनका दर्शन प्राप्त कर सकें, और सभी को अवसर देते हैं कि वह उनकी भक्ति में सेवा कर सकें। इस दर्शन के या इस स्वरूप में उनका सहवास प्राप्त हो, इसके लिए लक्ष्मी जी भी बहुत आतुर रहती हैं। जो संपूर्ण सृष्टि की माता हैं, जगन माता महालक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी वह भी आतुर रहती हैं। इसके बारे में भागवत के पंचम स्कंद में जम्बूद्वीप के निवासी भगवान से प्रार्थना करते हैं स्वत्वं ममाप्यच्युत शीर्षनिवंदितं कराम्बुजं यत्त्वद् अधाय सात्वतां बिभर्षि मां लक्ष्मवरेण्य मायया क ईश्वरस्य हितं ओहितं विभोरिति। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हे अच्युत, आपके जो कर कमल हैं वो सारे वरदानों के स्रोत हैं, इसीलिए आपको वरदराज भी कहा जाता है, आपके कर कमलों को वरद हस्त भी कहा जाता है। इन्हीं कर कमलों को सारे भक्त पूजते हैं, उसकी उपासना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि यह सब शुभ और मंगल करने वाला जो आपका कर कमल है, वह आप उनके माथे पर बड़े दयापूर्ण रख दें और आशीर्वाद दें, उनके सर पर आपका वरद हस्त पड़ जाए, इसकी प्रार्थना करते हैं। भक्तों को और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आपके कर कमलों का आशीर्वाद चाहिए। और स्वयं लक्ष्मी जी ये प्रार्थना अर्पित करते हुए कहती हैं, हे प्रभु, आप जो हैं अपने यही कर कमल हमारे सर पर भी रख दें, हालांकि आपके वक्षस्थल पर आपने हमें स्थान दिया हुआ है, किंतु उसकी वजह से हमारे मन में अहंकार आ सकता है कि हमें एक विशेष स्थान मिला है आपके वक्षस्थल पर। भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं, इसलिए भगवान को श्रीवास या श्रीनिवास से भी कहकर भी भगवान को संबोधित किया जाता है। लक्ष्मी जी श्रीवत्स के रूप में भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती हैं और उनके वक्षस्थल को सुशोभित करती हैं। कहीं ऐसा लक्ष्मी जी के मन में ऐसी बात आ जाए, इसलिए वह हमेशा सतर्क रहती हैं कि भगवान का वक्षस्थल जो है वह अपने आप में अत्यंत गरिमा का स्थान है और वहाँ पर भगवान ने अपनी अद्भुत कृपा के कारण लक्ष्मी जी को स्थान दिया हुआ है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि आपने ये हमें स्थान दिया,
इससे आपने हमारा आदर बढ़ा दिया है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हमारे मन में अहंकार आ जाए। इसलिए जब आप अपने शुद्ध भक्तों के सर पर अपना हाथ रखते हो, अपने कर कमल रखते हो, तो वास्तव में यह आपकी विशेष दया है। हम तो आपके छाते पर, आपके वक्षस्थल पर निवास करते हैं, किंतु आपके वरद हस्त जो सारा वरदान देते हैं, आश्रय देते हैं, वो नित्य आपके भक्तों के सर पर रहते हैं। तो प्रभु, वही वरद हस्त आप हमारे सर पर क्यों नहीं रख देते? वही कृपा हमें क्यों नहीं मिलती है? आपसे प्रार्थना है कि वही कृपा हमें भी प्राप्त हो जाए। आप अद्भुत हैं, आप अच्युत हैं, आप परम नियंता हैं। आप जो भी कार्य सिद्ध करते हैं, जो भी कार्य आप संपन्न करते हैं, उसका उद्देश्य आपके अलावा कोई नहीं जानता। आप अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो ये जो भगवान की कृपा है, जिसके लिए बड़े बड़े देवी देवता भी बड़े आतुर होते रहते हैं, वो भगवान के भक्तों को भगवान अपने प्रेमावश भगवान जो हैं उन्हें भक्तों को प्रदान कर देते हैं। उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि उद्धव, तुम्हारे जैसा भक्त जो है मुझे बहुत प्रिय है। न तथा मे प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर न च संकर्षनो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव कि ब्रह्मा जी, महादेव जी, यह सब उन्हें बहुत प्रिय हैं। ब्रह्मा जी तो आत्मभू स्वयं भू हैं, स्वयं भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और महादेव जी के साथ तो भगवान का बहुत घनिष्ठ संबंध है। महादेव जी जब भगवान इस सृष्टि के साथ संपर्क करना चाहते हैं, तो वह संपर्क जो है, उस संपर्क से महादेव जी की उत्पत्ति होती है, शंभु तत्व। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथकस्त हेतु। यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्य गोविंदमादि पुरुष। जिस प्रकार से दूध से स्वरूप का जब विकार हो जाता है तो दही प्रकट होता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब इस या महाविष्णु जी जब इस सृष्टि से संपर्क करते हैं दृष्टि द्वारा, तो शंभु प्रकट होते हैं। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी हमें प्रिय हैं, महादेव जी हमें प्रिय हैं, संकर्षण जी का क्या कहना। संकर्षण अनंत शेष के रूप में भगवान के शैया बनकर नित्य सेवा करते हैं। इस ब्रह्मांड के पूरे अवधि काल तक, मतलब सृष्टि से लेकर प्रलय तक, भगवान शैया के रूप में संकर्षण जी जो अनंत शेष हैं, या शेष
भगवान के अंतिम विस्तार शेष शैया पर भगवान लेटे रहते हैं। और अनंत जी अपने फणों से भगवान की छत्री बनकर भगवान के सर पर स्थित रहते हैं, छत्री बनकर, और अपने अनंत मुखों से वो भगवान की स्तुति करते रहते हैं। कहा जाता है कि शंकरशन जी सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक निरंतर भगवान के लीलाओं का गुण वर्णन करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे प्रलय तक। आज तक उन्होंने जितनी लीलाओं का वर्णन किया है वो सारी लीला है, भगवान एक क्षण में उससे ज्यादा लीला कर लेते हैं। तो एक क्षण भर की भी भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान एक ही ब्रह्मांड में अवतरित नहीं होते हैं ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं प्रभु। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में लीला करते रहते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड की लीलाओं की सूचना शंकरशन जी को हर एक ब्रह्मांड में प्राप्त हो जाती है। और अनंत के रूप में शंकरशन जी जब भगवान की स्तुति करते हैं अपने अनेक अनेक फणों से, तब भी उनकी स्तुतियां एक क्षण में की हुई जो लीलाएं हैं वो भी पूरी तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान अनंत लीला पुरुष हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं। तो शंकरशन जी तो उनकी शैया हैं, वह भी कितने प्रिय हैं भगवान को, और श्री लक्ष्मी जी तो अति प्रिय हैं भगवान को। किंतु भगवान कहते हैं इन सबसे अधिक अगर कोई और प्रिय हो सकता है उद्धव, तो लोग कहेंगे कि शायद मैं अपने आप को सबसे ज्यादा चाहता हूं। क्योंकि उनके जितना सुंदर तो और कोई है ही नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं उद्धव, सारी धारणाएं जो हैं अपूर्ण हैं। ब्रह्मा जी बहुत प्रिय हैं हमें, शंकरशन जी प्रिय हैं, शंकर जी प्रिय हैं, शंकरशन जी प्रिय हैं, लक्ष्मी जी प्रिय हैं, किंतु अपने आप से भी ज्यादा अगर मैं किसी को मानता हूं और इन सबों सभियों से ज्यादा अगर मैं किसी को मानता हूं तो वह तुम हो उद्धव, क्योंकि तुम मेरे अनन्य भक्त हो। तो जब भगवान यहां पर लीला अपनी व्यक्त करने अवतरित होते हैं तो ऐसे उनके अनन्य भक्तों के प्रति विशेष कृपा भगवान प्रदान करते हैं, उनके ही उन्हें कृपा देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। क्योंकि वह भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दशम स्कंध में जब माता यशोदा भगवान के पीछे दौड़ती हैं भगवान को पकड़ने के लिए, और भगवान जो हैं उनसे बचने के लिए दौड़ रहे हैं, तो यह अद्भुत दृश्य और यह संधि किसी और को प्राप्त हुई नहीं थी। नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग श्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। साक्षात लक्ष्मी जी जो भगवान की चरण सेवा करती हैं और लक्ष्मी जी जो उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं, उन्हें भी यह संधि प्राप्त नहीं है कि भगवान को बांध सके। और माता यशोदा ने वह कार्य किया।
भगवान जो भक्तों के प्रति अपना वात्सल्य भाव प्रदर्शित करते हैं वो बहुत ही मधुर है। तो इसी ये जो भगवान कृष्ण का जो गुण है, जो उनकी उनकी प्रेम माधुरी है, जो भक्तों के साथ भगवान प्रेम में व्यवहार करते हैं, ये वैकुंठ लोक में भी किसी को प्राप्त नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं। एक बार भगवान कृष्ण माखन चुरा रहे हैं तो एक गोपी ने उन्हें पकड़ लिया रंगे हाथों, मटकी में हाथ डाली हुई, मतलब कोहनी तक माखन लगा हुआ। भगवान उन्हें देखकर चौंक जाते हैं, तो गोपी कहती हैं कि क्या कर रहे हैं आप? तो भगवान कहते हैं हमारी एक बछड़ी घूम गई थी, भुला गई है एक बछड़ी, उसे ही ढूंढता हुआ यहां पर आया हूं। तो मटकी में हाथ, बटकी में क्यों देख रहे हैं आप? भगवान ने कहा पूरे घर में मैंने ढूंढ लिया, कहीं नहीं दिखी, तो हमने सोचा कि मटकी में भी देख लेते हैं, कहीं मटकी में होगी। मन ही मन गोपी मुस्कुरा रही है चेहरे पर, लेकिन झूठा गुस्सा है। अच्छा तो मिल गई आपको बछड़ी? बोले कि नहीं मिले तो नहीं। तो फिर ये मक्खन क्यों आप कोहनी तक लगा हुआ है? ना कि हमने सोचा कि थोड़ा भीतर तक हाथ डालकर देख लेते हैं, कहीं अंदर छुपकर तो नहीं बैठी हुई है बछड़ी। वासरू, मराठी में वासरू कहते हैं ना, कि मटकी के भीतर तो नहीं है। छोटे से बच्चे हैं, अभी 2-3 साल की उम्र है, माखन चुरा रहे हैं। तो ये जो वात्सल्य भाव है, यह जो प्रेम व्यवहार है, इसके लिए महादेव जी, ब्रह्मा जी, ये सब जो है तरसते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने यही लीला में भाग लेने हेतु ब्रह्मा जी ने तपस्या की और कहा कि प्रभु मुझे आप एक स्थावर भी बना दो कि मैं हिलूं भी नहीं, लेकिन वो अवसर दे दो कि आपकी लीलाओं का दर्शन हो। तो चतुर्भुजी ब्रह्मा जो हैं, चतुर पर्वत शिखरों के रूप में जिसके ऊपर बरसाना धाम बसा हुआ है, वहां पर प्रकट हो गए। महादेव जी ने कहा कि हमें भी फिर प्रकट होना, हमें भी तो लीला दर्शन करना है। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप जो है पंच शिखर वाले नंद ग्राम जिस पर बसा हुआ गांव है, उस पर्वत के रूप में तो पंचमुखी महादेव जी जो नंद गांव का पर्वत है उस रूप में प्रकट हो गए, बैठकर लीला दर्शन कर रहे हैं, आनंद से लीला का आनंद ले रहे हैं। एक जो है राधा रानी दौड़ रही हैं पूरा ऊपर से नीचे, और दूसरे जो हैं नंदलाला दौड़ रहे हैं ऊपर से नीचे। तो ये लाभ जो भगवान द्विभुज रूप धारण कर कर जब लीला करने आए हैं गोकुल धाम में, तो यह लाभ, यह दुर्लभ वरदान जो है उसके लिए बड़े बड़े देवी देवता जो हैं लालायित रहते हैं। ब्रज के निवासियों को नित्य यह दर्शन प्राप्त होता है। एक बार भगवान कृष्ण किसी कारण से गोपियों के बीचों बीच से गायब हो गए।
अभी थे, अचानक गायब। ऐसे भी नहीं कि दौड़ कर कहीं चले गए या कूद कर कहीं चले गए, बस गायब हो गए। सारी गोपियां ढूंढने लगी भगवान को। तो भगवान ने सोचा कि उनके साथ मजाक किया जाए, तो भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, चार भुजाएं, माथे पर किरीट, कौस्तुभ मणि, राजसी वस्त्र और अलंकार, बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। गोपियां जो हैं भगवान को ढूंढते हुए उस रास्ते से आई, देखे कि अरे यहां पर तो कोई दिव्य व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अपने भोलेपन में उन्होंने उनको उनको देख कर मन ही मन विचार किया कि शायद ये भगवान नारायण है। तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, भगवान नारायण को, कि प्रभु आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारा अहोभाग्य है, आपसे बस एक ही वरदान चाहते हैं। आप साक्षात भगवान हो, दर्शन दे रहे हो। गोपियां जो हैं भगवान को ढूंढने, मतलब कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने आतुर थी कि साक्षात चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान वहां पर बैठे थे। तो गोपियों ने सोचा कि ये नारायण जी हैं। अब गोपियां कृष्ण को, भगवान को जो है वो ब्रजवासी मानती हैं, वो थोड़ी उनको वो नहीं विचार करती हैं कि भगवान कृष्ण ही है आदि भगवान। उन्हें लगता है कि ये ब्रजवासी हैं, ब्रज के ही निवासी हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं, ऐसे गोपियां समझती हैं। लेकिन हर कोई भगवान नारायण को जानता है। तो यहां पर भगवान नारायण का दर्शन हो रहा है और गोपियां ये दर्शन प्राप्त करके थोड़ी चकित हैं और जानती हैं कि भगवान का दर्शन हो रहा है तो उनसे वरदान मांग सकते हैं। तो वरदान मांगने लगे भगवान से, सारी गोपियों ने वरदान मांगा कि प्रभु हम आपसे यह वरदान चाहते हैं कि आप हमें कृपया बता दें कि कृष्ण कहाँ गए हैं, किस रास्ते से गए हैं। यह वरदान मांगा उन्होंने भगवान नारायण से कि नंद नंदन कहाँ है, किस रास्ते से गए हैं। तो अपने दो हाथों से संकेत किया प्रभु ने कि उस रास्ते गए, सारी गोपियां उस रास्ते चली गई। और फिर जब श्रीमती राधा रानी जी आई पीछे पीछे ढूंढते हुए कृष्ण कहाँ हैं, तो उनके स्वरूप को देखकर और जो उनकी आतुरता थी, भगवान जब उस आतुरता का अनुभव भगवान ने किया, उनका उनका दर्शन जब भगवान ने किया, श्री जी का दर्शन प्रभु ने किया, तो भगवान इतने भाव विभोर हो गए श्री जी को इस प्रकार आतुर देखकर। फिर भगवान के चार हाथ जो थे उसमें से दो हाथ अपने आप पिघल गए और श्री जी ने वहां पर कृष्ण को पुनः पा लिया। तो ये जो विशेष भक्तों के साथ व्यवहार ब्रज में भगवान प्रकट करते हैं, उसे दर्शाते हैं, ये भगवान कृष्ण की एक अद्भुत, उनका एक अद्भुत गुण लक्षण है, जिसे रूप गोस्वामी कहते हैं यह उनकी प्रेम माधुरी है, प्रेम का संबंध भक्तों के साथ। गोपियों से कहना कि हम बछड़ा ढूंढ रहे हैं, कोई बछड़ी हमारी भूल गई थी, कहीं
कहीं मटके में भीतर तो कहीं छुप कर नहीं ना बैठी है। चतुर्भुज रूप धारण करना और गोपियों का उनसे सिर्फ यही वरदान मांगना कि कृष्ण हमें मिल जाएं। सोचिए, भगवान सामने, कोई अन्य व्यक्ति होता और साक्षात प्रभु सामने हैं, तो फिर वहीं पर खड़े रह जाता। तो ये जो एक सहज प्रेम है भगवान का अपने भक्तों से और भक्तों का भगवान से, और ये जो उसमें मासूमियत है, इसमें शुद्धता है, निर्मलता है, ये यही दिव्य जगत का सबसे श्रेष्ठ वरदान है। और कृष्ण भावना से या कृष्ण भक्ति करके, साधना भक्ति करते हुए इन्हीं नित्य लीलाओं में स्थान प्राप्त होए, ऐसी प्रार्थना एक भक्त, एक साधक कर सकता है कि ब्रज में अगर एक कण का भी, एक कण बन करके भी विराजने का अवसर मिल जाए, ब्रज रज का कण, या एक लता, पुष्प, पत्ता, चट्टान, कोई भी स्वरूप ब्रज में मिल जाए, जिससे कि भगवान और भगवान के भक्तों के ऐसे मधुर व्यवहार का दर्शन प्राप्त होते रहे। और 24 घंटे का चैनल चालू है, तो उससे श्रेष्ठ वरदान और कुछ हो ही नहीं सकता। और श्री चैतन्य महाप्रभु यही वरदान समझाने हेतु और उसे प्राप्त करने के लिए, हमें प्रेरित करने हेतु संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करने आए हैं। ये जो हरिनाम संकीर्तन है, इसे प्रेम संकीर्तन भी कहा गया है। अगर शुद्ध मन से व्यक्ति भगवान का नाम आश्रय लेगा, तो संसार के सारे प्रलोभन धुलकर गायब हो जाएंगे उसके चित्तवन से, उसके चित्त से। और ऐसे निर्मल चित्त से वो भगवान का नाम भजन करेगा, वो भगवान का नाम कीर्तन करेगा, वो साधक भगवान की कृपा की याचना करेगा। और फिर भगवान जब कृपा देंगे, तो फिर तब इस अद्भुत दुर्लभ दिव्य स्वरूप में भगवान जो लीला करते हैं, उन लीलाओं का दर्शन व्यक्ति कर पाएगा। तो उद्धव जी, यहां पर भगवान के इस सुंदर स्वरूप का स्मरण करते हुए भाव विभोर हो रहे हैं कि भगवान का यह स्वरूप, जिस स्वरूप में भगवान ने द्वारका, मथुरा, ब्रज धाम, हस्तिनापुर, मगध देश, मिथिला प्रदेश, कुरुक्षेत्र, विदर्भ, इन सारे प्रांतों में विचरण किया और वहां के अनंत जीवों को अवसर दिया कि उनके दिव्य स्वरूप का लाभ ले सके, दर्शन लाभ ले सके, यह भगवान की अहेतु की कृपा है। और वह दर्शन लाभ जिन जिन भाग्यशाली जीवों को प्राप्त हुआ, उन जीवों को अनंत जन्मों के तपस्या, अनंत जन्मों के अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि, शास्त्र अध्ययन, सबका फल सिर्फ भगवान के स्वरूप का दर्शन लाभ करने से प्राप्त हो गया।
सुखदेव महाराज कहते हैं जब परीक्षित जी को सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, कहते हैं तथैव चान्ये नरलोक वीरा न आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रह पिबंतो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। कहते हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जिन योद्धाओं ने युद्ध करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, जब अर्जुन जी के बाणों ने उनको मृत्यु के घाट उतार दिया, उस समय जब वो अपने प्राण त्याग रहे हैं, अर्जुन जी के बाण जो हैं उनके शरीर को भेदते हुए उन्हें मृत्यु के घाट उतार रहे हैं, तो उनके नेत्र नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम, उनके नेत्र अर्जुन के सारथी पर टिके हुए हैं। अर्जुन जी शूर योद्धा हैं, पीठ पर किसी के वार नहीं करते। तो जब जब उनके बाणों ने किसी को भेदा है और वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो वह व्यक्ति अर्जुन के सामने खड़ा है और अर्जुन के बाण जब उनके प्राण चूस लेते हैं, चूस रहे हैं, उनके देह को प्राणहीन कर रहे हैं, तो उन योद्धाओं को मात्र कृष्ण का स्वरूप दिख रहा है और अपने नयनों से, अपने आंखों से भगवान कृष्ण के वह भक्त वात्सल्य पूर्ण स्वरूप जहां पर वो अर्जुन जी के सारथी बने हुए हैं। क्या गौरव है? कोई गौरव नहीं है किसी के सारथी बनने में। सारे योद्धा सोच रहे हैं कि इतना बड़ा शूरवीर व्यक्ति अर्जुन का निम्न सारथी बन गया है। भगवान का यह वात्सल्य, भक्त वात्सल्य, जो भक्त वत्सलता से परिपूर्ण जो स्वरूप है सारथी का, उसका दर्शन करते हुए प्राण त्याग रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नेत्रे पिबंतो, जैसे एक प्यासा व्यक्ति जो प्राणों के लिए, प्राणों को आवश्यक जल ग्रहण करता है, वैसे ही एक प्यासे की तरह अपने आंखों से, अपने नेत्रों से, अपने हृदय में भगवान के उस स्वरूप को उतार लेते हैं, ग्रहण करते हैं, पीते हैं भगवान के उस सुंदर स्वरूप को। मानो भगवान का स्वरूप जो है मधुर रस बन चुका है और उनके नेत्र जो हैं वह उनके सूखे हुए कंठ हैं, उस रस को पीते हैं वो। नेत्रे पिबंते नयनाभिरामं पार्थास्त्र पूता पद्मापुरस्य, और सब के सब जो कृष्ण का दर्शन करते हुए देह त्यागते हैं, सबके सब भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। पद्मापुरस्य, इसे आज के श्लोक में कहा गया है ना,
परम पदम। भूषण भूषणांगम। परम पदम भूषणम भूषणांगम। तो परम पद को वो प्राप्त कर जाते हैं। तो वास्तव में जिन भी आत्माओं को अवसर मिला आज के आज से 5,000 वर्ष पूर्व भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने का, अत्यंत भाग्यशाली है। और हम सब भी भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान के इन लीलाओं का श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। ध्यान पूर्वक अगर श्रवण करेंगे और उससे मन में अभिलाषा अगर जग गई भगवान की, निष्काम सेवा करने की वृत्ति अगर आ गई, जग गई, तो निश्चित रूप से एक दिन हमें भी अवसर मिलेगा कि भगवत नाम लेते हुए भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते करके हम भगवान की सेवा कर सकें। उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी, और कलयुग की तपस्या है नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। आप में से अगर किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया आप उन प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में पूछकर हम तक भेज सकते हैं, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अपने अपने अभिप्राय, आपको जो भी मुद्दा, जो भी विषय, जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट अच्छा लगा आज की कथा में, आप उसे भी, आपसे प्रार्थना है कि उसे भी कम या ज़्यादा शब्दों में, जितने जैसे भी आपकी इच्छा हो, उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। एक प्रश्न है कि ब्रह्मांड के 7 आवरण क्या हैं? ब्रह्मांड के 7 आवरण हैं जो आपके पंच महाभूत हैं, और बुद्धि और अहंकार, ये ब्रह्मांड के 7 आवरण हैं। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भगवान शब्द का अर्थ होता है जो षड ऐश्वर्य से पूर्ण हो। 6 ऐश्वर्य होते हैं जिनको मुख्य ऐश्वर्य माना गया है। सौंदर्य और वीर्य, क्या उसे कहेंगे, शक्ति, बल, सौंदर्य, बल, यश, धन, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 जो हैं, 6 को षड कहा जाता है। तो षड ऐश्वर्य पूर्ण जो हैं उस व्यक्ति को कहा जाता है भगवान। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य। किसी ने प्रश्न पूछा है कि कहीं पर प्रमाण यह मिला है
कि पृथ्वी से लेकर जो आखिरी ग्रह है, या अभी भी थोड़ा सा विचार कर रहे हैं वैज्ञानिक कि उसे ग्रह कहा जाए कि नहीं कहा जाए, जो हमारे इंग्लिश में जिसे कहते हैं सोलार, सोलार सिस्टम। तो आखिरी जो ग्रह है, प्लैनेट है, अभी वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि उसे क्या समझा जाए। ठीक है, तो पृथ्वी से लेकर वहां तक जो वैज्ञानिकों ने कहा है कि अंतर जो है, वही अंतर है, शास्त्र में दिया गया है कि उतना ही अंतर समझाया गया है पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के पहले आवरण का। बहुत अच्छी बात है। तो ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जस्टिफाई करना क्या है? अगर कहीं पर कुछ समानता दिख रही है तो अच्छी बात है। जब भी व्यवहारिक कोई भी बात बताई जाए शास्त्र में, विशेष करके उसे हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमें विचार यह करना पड़ेगा कि उसके लिए जो पैरामीटर्स यूज किए जा रहे हैं वो क्या हैं। और अगर यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि आप बात सही कह रहे हैं कि ऐसे कहीं कहीं कुछ विवरण वर्णन दिखाई पड़ते हैं कि समानता है, तो क्या प्लूटो के आगे ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, उसके बाद ब्रह्मांड के आवरण हैं? ये सारे प्रश्न मन में आ सकते हैं। तो हम रुकेंगे वैज्ञानिकों के लिए कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं, उसके आगे कुछ उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। किंतु शास्त्र में जब किन्हीं दो तत्वों के बीच में, किन्हीं दो जगहों के बीच में शास्त्र में जो भी वर्णन आता है इस भौतिक सृष्टि का, तो ध्यान यह देना है कि पैरामीटर्स क्या हैं। कभी कभी कुछ चीजें जो हैं हमें लगता है कि समान हैं, जैसे योजन की परिभाषा, तो ऐसे लगता है कि योजन अर्थात 2 मील, एक योजन। तो ये हम अपनी तरफ से ऐसे विचार कर रहे हैं, जैसे भारत में किलोमीटर होता है, मील का प्रयोग करना बंद कर दिया हमने, या ज्यादा करते नहीं है, माइल जिसे कहते हैं। अमेरिका में माइल प्रयोग किया जाता, किलोमीटर का प्रयोग होता नहीं है। तो दोनों जगह से जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो एक दूसरे को समझाते हैं वो कि किलोमीटर और मील के बीच में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। अब शास्त्र में निश्चित रूप से हमें किलोमीटर और मील में तो कोई भी दूरियां नहीं दिखेंगी, तो उन्होंने जो प्रयोग किया है, जो भी यूनिट का प्रयोग किया है डिस्टेंस को समझने में, और हमने जो प्रयोग किया है, उनके बीच का अगर संबंध जानना चाहते हैं तो उनकी भाषा और हमारी भाषा, उनका कोई एक व्यक्ति और हमारा कोई व्यक्ति, दोनों बैठकर बातचीत करें, तब हम पूरी तरह से श्योर हो सकते हैं कि भाई हमारी समझ सही है।
नहीं तो अभी तक खाली ऐसी बात है कि हम कह रहे हैं कि शास्त्र में जो जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया गया है आज के समय के अनुसार उसका इतना अर्थ निकलता है। तो अगर कहीं पर दी जा रही है इस बात को तो अच्छी बात है, हम कह सकते हैं कि शास्त्र में पहले से ये कहा गया है, अब आप बैठकर हरि नाम भी लिख कर कीजिए क्योंकि शास्त्र में कहा गया हरि नाम करने के लिए। बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं जिसके माध्यम से बहुत चीजों को समझाने का प्रयास किया जाता है। फिजिक्स ही ले लीजिए कि कितने है तो मटेरियल साइंस, लेकिन मटेरियल साइंस का अस्तित्व अकेले तो होता नहीं, उसमें वेरिएशंस हैं ही, तो फिर वो हो जाता है क्वांटम साइंस, तो एक अलग डायमेंशन आ गया। जो चीज़ किसी को मोटी लग सकती है वो हमें पतली लग सकती है, क्योंकि जिस समाज से हम आए हैं वहां पर वो पतला है। तो इसलिए अगर दो अलग अलग सिविलाइजेशंस या दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच में बातचीत हो रही है तो अच्छा ये होगा कि दोनों ही संस्कृतियों के, दोनों ही समाज के एक एक रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जो हैं चर्चा करके स्थापित करें कि भाषा, एक भाषा क्या होगी। और आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम वैसा कर सकें, इससे सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, और कभी कभी अनुमान सही भी होता है और कभी कभी गलत भी होता है। तो ये जो प्रश्न है कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं या कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, उसके उत्तर में यही कहेंगे कि अगर ऐसे जो भी समानता दिखाई जा रही है या कभी कभी असमानता दिखाई जाएगी उसके साथ साथ अपनी साधना के द्वारा जो साक्षात्कार हमें प्राप्त होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो मुख्य विषय है, मुख्य जो जो महत्वपूर्ण विषय है वह है आत्मा का शुद्धिकरण, आत्म शुद्धिकरण। तो अगर इस ज्ञान से, इस ज्ञान के आधार पर हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, मन को शुद्ध कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। और अगर हृदय मन शुद्ध नहीं हो रहा है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो अभी हम रुकेंगे, देखेंगे कि आज हमारे वैज्ञानिक कुछ समय में और क्या क्या हमें जानकारी देते हैं जिससे शास्त्र के जो वाणी है या तो सिद्ध होती है या वो कहेंगे कि शास्त्र के वाणी के विरुद्ध है। जो भी है देखते हैं वैज्ञानिक क्या कहते हैं। जहाँ जहाँ वो सिद्ध हो रही है तो वहाँ वहाँ सब कोई खुश है, बैठकर हरि नाम कर सकते हैं। जहाँ पर सिद्ध नहीं होती है वहाँ पर हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। फिर अलग-अलग दृष्टिकोणों से हमें एकमत होकर भगवान का नाम आश्रय लेना चाहिए। एक भक्त पूछ रहे हैं कि भगवान स्वयं तो महाविष्णु हैं और तत्पश्चात वह अपने ही स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। भाई हम और आप जो हैं अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो इसका उद्गम कहीं ना तो कहीं से आएगा ना। जब कहीं अपना फोटो देखते हैं या कहीं पर 20 साल पहले का कोई वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो हम अपने आप को देखकर प्रसन्न होते हैं ना। मतलब अगर हम कुछ अच्छा दिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर प्रसन्न नहीं होगा व्यक्ति।
तो भगवान अपने अलग अलग स्वरूपों में सब कुछ अच्छा ही करते हैं, तो अगर भगवान अपने ही स्वरूप का दर्शन करने में प्रसन्न हो रहे हैं तो इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है। अद्भुत बात यह है कि भगवान कृष्ण के जो सौम्य स्वरूप है उसका दर्शन के लिए, उसके दर्शन के लिए महाविष्णु जी लालायित थे। तो क्योंकि भगवान एक ही हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो आनंद नहीं करते। सब कुछ पता है, क्या आनंद करेंगे? भगवान हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, अपने आनंद के अलग अलग कारण भगवान अपने आप ढूंढ लेते हैं। क्योंकि वो सर्वज्ञाता हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि उनकी बुद्धि अब काम करना बंद कर दी है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जो व्यक्ति सर्वज्ञाता है तो उसके पास तो बुद्धि होगी नहीं, क्योंकि अब बुद्धि का कोई प्रयोग है ही नहीं। अब क्या जानेगा, सब कुछ जान गया है ना, अब क्या जानेगा, ऐसा हम विचार करते हैं। तो यह फिर से कुतर्क है। कोई सर्वज्ञाता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उसकी बुद्धि जो है अब कुछ और कार्य करने में उसका कुछ उद्देश्य नहीं रह गया, क्योंकि सब कुछ तो जान ही जाते हैं। सर्वज्ञाता के साथ साथ भगवान असीमित भी हैं। असीमित का अर्थ होता है उनकी कोई सीमा नहीं है। तो जो असीमित है वह सर्वज्ञाता है। अगर हमारी बुद्धि से हमें यह बात समझ में आ जाए तो यही अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। अगर सर्वज्ञाता है तो उसे पता होना चाहिए कि किस रूप से असीमित है। लेकिन असीमित का अर्थ होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, हमेशा विस्तारित होते रहता है। तो बस भगवान ऐसे अचिंत्य व्यक्ति हैं, अद्भुत पुरुष हैं। हम और आप, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जितनी आवश्यकता है ना अपने सुख और आनंद के लिए, वो हमें ऐसे सर्वज्ञ और असीमित भगवान के चरित्र में प्राप्त हो जाता है। अब सोचिए, हमारी क्षमता है कि हम 100 किलोमीटर उड़ान भर सकते हैं, और भगवान की सीमा क्षेत्र है 1,000,00,000 और 10,000 करोड़ किलोमीटर की सीमा क्षेत्र है। तो हमें जितनी उड़ान भरनी है उतनी तो हम आराम से भर ही लेंगे ना। अब क्या अंतर पड़ता है कि भगवान का जो है 1,00,010,000 करोड़ की सीमा क्षेत्र है या 1,10,001 करोड़ की सीमा क्षेत्र, हमें उससे क्या अंतर पड़ता है? मतलब अपनी सीमित बुद्धि से हम उस क्षमता को जान भी कैसे पाएंगे? हम नहीं जान पाएंगे ना। तो भगवान के असीमित होने का यह भी एक लक्षण है कि स्वयं भगवान जो महाविष्णु हैं वह सौम्य रूप में अवतरित भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए लालायित हैं, क्योंकि भगवान के का स्वरूप असीमित है। महाविष्णु जी अपने अवस्था के बारे में और भगवान कृष्ण के तत्व के बारे में पूरी तरह से ज्ञाता हैं। भगवान कृष्ण की जो रूप माधुरी है ना, उसका दर्शन प्राप्त करके जो आनंद मिलता है वह ज्ञान और शक्ति से कहीं बढ़कर है। तो सर्वज्ञाता अर्थात ज्ञानी
और असीमित अर्थात शक्ति, इससे कहीं श्रेष्ठ है प्रेम। तो ये प्रेम माधुरी भगवान कृष्ण व्यक्त करते हैं ना, ये स्वयं महाविष्णु जी भी दर्शन करना चाहते हैं कि कैसे भगवान बांसुरी बजाते हैं। बस अब सोचिए, महाविष्णु जी बांसुरी बजाने लगे और गौचारण करने निकल गए तो कारण सागर का क्या होगा? कभी कभी आप और हम नहीं थक जाते हैं? दिन भर ऑफिस में काम करते करते लगता है कि कहीं पर बैठे पैर जो है सामने कुर्सी पर उठा कर रखें, पीठ थोड़ा सा आराम कर ले और सर के नीचे हाथ रखकर आसमान को ताकें। चाहिए ना थोड़ा सा चेंज हमें भी अपने जीवन में। ये नहीं कि हम बोर हो गए ऑफिस से, ये नहीं कि थक गए, बस इच्छा हो जाती है। इच्छा का अर्थ ही यही होता है ना। तो भगवान आत्मकामी है, अपनी इच्छा स्वयं पूरी कर लेते हैं। तो महाविष्णु ने जी ने सोचा कि हम क्यों बांसुरी बजाएं, गौचारण करें, वह तो कृष्ण करते ही हैं। और यह जो मधुरता है गौचारण करने में, बांसुरी बजाने में, उसका हमें दर्शन करना है। तो उन्होंने प्रयोजन किया और दर्शन प्राप्त किया। तो यह बात कि भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान एक ही हैं, अगर सब कुछ जानते हैं और भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, तो सर्वशक्तिशाली शब्द पर भी ध्यान देना आवश्यक है। सर्वशक्तिशाली का अर्थ है वह एक व्यक्ति अनेक रूपों में भी, अनेक असीमित रूपों में भी अपने आप को व्यक्त कर सकता है, और हर एक स्वरूप एक दूसरे को देखने के लिए उत्सुक रहता है। इसी का अर्थ होता है असीमित। तो खाली दो भगवान के या चार भगवान के गुणों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जितना और गुणों पर हम ध्यान देंगे, उतना ही हमें पता चलेगा कि भगवान अचिंत्य हैं। अचिंत्य है अर्थात इतना इतना विशाल काय है भगवान कि आप और हम, और हम जैसे अनंत जीवात्माएं कितना भी उड़ान भर लें, पूरी तरह से हम संतुष्ट हो जाएंगे। और ऊपर से अगर और उड़ने की इच्छा होगी, उसके लिए भी व्यवस्था है। तो लीला ये भागवतम में और विष्णु पुराण में भी बताई गई है लीला, विशेष करके भागवतम में वास्तव में ये लीला है। महाविष्णु जी के पास कृष्ण और अर्जुन जाते हैं। यह विचार कीजिए कि अर्जुन जी को भगवान कैसे पहुंचा दिए वहां पर। यह ज्यादा योग्य होगा कि हम यह विचार करें। थोड़ा विचार कीजिए, अर्जुन भक्त है, हम भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण भगवान हैं, हम कभी भगवान बन नहीं सकते। महाविष्णु जी भगवान हैं, हम कभी भगवान बन नहीं सकते। हम भक्त बन सकते हैं ना। तो साथ ही साथ यह विचार थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए कि अर्जुन जी की तरह क्या हम भी भगवान के इतने घनिष्ठ हो जाएं कि हमारे लिए भगवान जो है ब्रह्मांड भेद कर बस अपनी दया हम पर, अपनी हम पर दया करके भगवान ऐसा कवच दे कि ब्रह्मांड भेदने की हमें क्षमता आ जाए। हमारे भगवान क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते।
है ना। तो अगर जानना चाहते हैं कि महाविष्णु जी जो स्वयं भगवान है, वो कृष्ण को देखने का स्वरूप, जो कृष्ण का, भगवान कृष्ण का जो सौम्य स्वरूप है, उसके लिए लालायित हो रहे हैं, अगर ये जानना चाहते हैं, तो फिर अपने भौतिक जितने भी अभिलाषाएं उसको त्याग दीजिए, तब यह बात समझ में आएगी। अभी तो खाली हम एक कल्पना कर सकते हैं उसके बारे में, लेकिन सही में जानना चाहते हैं तो फिर अपनी भौतिक अभिलाषाओं को त्यागने के पश्चात उचित होगा, योग्य होगा कि हम ये प्रश्न पूछें। और अगर भौतिक अभिलाषाओं को त्यागना चाहते हैं तो उसके लिए योग्य प्रश्न होगा कि अर्जुन जी के साथ, अर्जुन जी को कैसे वह अवसर प्राप्त हुआ कि महाविष्णु जी तक वो पहुंच गए। उसका उत्तर हमारे लिए थोड़ा लाभदायी होगा। और दूसरा उत्तर जो है शास्त्र के दृष्टिकोण से, वो तो हमें दिया ही गया है कि भगवान असीमित हैं, भगवान सीमित नहीं है। असीमित का अर्थ है हर क्षण भगवान की शक्ति बढ़ते रहती है। बस ये भगवान का स्वरूप है, उनकी सीमित शक्ति नहीं है, असीमित शक्तियां उनकी, उनमें असीमित बल है। ठीक है ना। तो असीमित उनकी शक्तियां होने के कारण अनंत रूपों में भगवान जो है अपने आप को विस्तारित कर सकते, अनंत रूपों में। और हर एक स्वरूप जो भगवान का, भगवान व्यक्त करते हैं अपने आप में, अद्भुत है। और एक स्वरूप दूसरे स्वरूप का दर्शन करने के लिए अभिलाषी हो सकता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है। जब अनंत स्वरूप है ना, तो अनंत स्वरूप का अर्थ नहीं है कि सब एक दूसरे के क्लोन है, यह भी नहीं है कि वो सब एक जैसे ही हैं, नहीं। अनंत स्वरूप का अर्थ है वो सब जो है अपना अपना अलग अलग व्यक्तित्व के साथ प्रकट है। अच्छा, भगवान तो महाविष्णु जी से मिल लिए, महाविष्णु जी जो है भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, तो आप विचार कीजिए। संकर्षण जी, ये भी तो भगवान ही है ना। वसुदेव जी भी भगवान है। वसुदेव जी जो है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, वसुदेव नहीं, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध। तो जब भगवान वासुदेव राम जी के रूप में आते हैं, शंकरचंद्र जी लक्ष्मण के रूप में आते हैं, दोनों ही भगवान हैं, दोनों का व्यक्तित्व अलग है। तो इसलिए भगवान को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। लीला का अर्थ होता है भगवान के व्यवहार निराले होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ठीक है, अभी इन बातों पर खाली ध्यान रखिए,
भगवान अनंत हैं, असीमित हैं, सर्वज्ञानी हैं, लीला पुरुषोत्तम है। असीमित होने के कारण अनंत रूप धारण करते हैं, सर्वज्ञानी होने के कारण जानते हैं कि हर एक रूप जो उनका है, स्वरूप जो उनका है, वो विशेष है। नरसिंह स्वरूप विशेष है, वराह रूप विशेष है, वामन स्वरूप विशेष है, ये जानते हैं। और ये सब नित्य स्वरूप है, ये नहीं कि एक स्वरूप आता है तो बाकी स्वरूप गायब है, ऐसा भी नहीं है। भगवान के नित्य स्वरूप हैं, तो वामन स्वरूप विशेष है। बटू के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, नरसिंहदेव नरसिंह स्वरूप विशेष है, आधे नर और आधे सिंह, धड़ नर का है और सर सिंह का है। अगर नरसिंह देव की इच्छा होगी, वराह देव के साथ जाकर चर्चा करने की कर सकते हैं। वराह देव नरसिंह देव की इच्छा होगी, महाविष्णु जी के साथ चर्चा करने की कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है। जब अलग अलग स्वरूप जो भगवान के नित्य स्वरूप हैं, तो एक दूसरे से अगर मिलकर चर्चा करते हैं, तो इससे हमें पिछले इससे हमें विस्मित नहीं होना चाहिए, चकित नहीं होना चाहिए। यहां पर जब महाविष्णु जी भगवान कृष्ण का स्वरूप देखने के लिए लालायित हैं, इसका अर्थ है वो देखना चाहते हैं वह स्वरूप जहां पर भगवान अपने भक्तों के साथ विशेष व्यवहार करते हैं। महाविष्णु जी अपने भक्तों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, तो महाविष्णु जी की इच्छा होगी इस स्वरूप का दर्शन करने के लिए। इस स्वरूप में जो व्यवहार भगवान करते हैं, गौओं के साथ व्यवहार करते हैं, अर्जुन के साथ व्यवहार करते हैं, महाविष्णु जी वैसा व्यवहार नहीं करते हैं। ना तो गौओं के साथ व्यवहार करते हैं, ना अर्जुन के साथ व्यवहार करते हैं। वैसे उनका व्यवहार होता है नारद मुनि के साथ, सनत कुमारों के साथ, लक्ष्मी जी के साथ। तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव महाराज एक प्रसंग बता रहे हैं, ऐसे अनंत प्रसंग हो सकते हैं जहां पर कोई किसी से मिल रहा हो। जैसे परशुराम जी शक्ति वेश अवतार हैं, प्रभु रामचंद्र जी से मिल लिए। परशुराम जी ने पूछा रामचंद्र जी से, आप कौन है? रामचंद्र जी ने कहा, आप हमें नहीं पहचान रहे हैं। तो शास्त्र में कभी कभी कुछ कुछ बातें बताई गई हैं, ऐसे बहुत सारे और प्रसंग हैं जो हमें, हम जैसे जीवों को इस कलयुग में नहीं बताई गई हैं। ऐसे कितने ही कल्प हैं, कितने ही युग हैं जिसमें अनेक अलग अलग रूप से शास्त्र बताए जाएंगे। ठीक है ना? तो अलग अलग रूप से शास्त्र बताए जाएंगे। कुछ लीलाएं इस बार बताई जाएंगी, कुछ लीला वही लीला उसमें बताई जाएंगी, या अन्य लीला भी बताई जा सकती है अगली बार। तो कोई बात नहीं, कल्प भेद होते रहता है। इस लीला में और आज के ही श्लोक में जिस बात पर जोर दिया जा रहा है, वह है भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप, जहां पर भगवान जब व्यवहार कर रहे थे तो उनके ही परिवारजन उन्हें सामान्य व्यवहार, उनके साथ सामान्य व्यवहार कर रहे हैं। और बाद में उद्धव जी पछता रहे हैं कि हमारे साथ स्वयं भगवान थे और हमने उनके साथ सामान्य व्यवहार किया। तो यह विषय है।
ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ पर हम रुकते हैं। अरे 9:30 हो गए, 1 घंटा चला प्रश्नोत्तर। तो प्रार्थना ये करते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, नहीं तो और अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन कीजिए, दशम स्कंद का अध्ययन कीजिए, या फिर जो ये दूसरा ज्योतिर्विद्या से संबंधित है, मतलब ग्रह नक्षत्रों से संबंधित जो प्रश्न है उसके लिए हम ज्योतिष शास्त्र और भागवत में जो पंचम स्कंद है उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपने अभिप्राय कमेंट्स जरूर लिखकर हम तक पहुंचा दीजिएगा। हरे कृष्ण।